अतीक अहमद का जो हत्या हुआ, कौन लोग थे वो? तीन लोगों के मन में ये गंदगी किसने डाली? कौन इसको हत्यारा बनवा दिया? अब सोचिए, राजा भैया पे राजा भैया लगता है, राजा भैया ब्रिजेश सिंह, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर बहुत सारी आपत्तियां। तो ये कौन सा लगा मैं कैसे ये तीन लोग इतना हिम्मत कर लिया भाई, मीडिया के सामने आके गोली मार रहा है? ये छोटा मोटा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ की सरकार दम भरती है कि हम कानून व्यवस्था जो है साफ सुथरा रखे हुए, हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री पर खुद 302 का मुकदमा है अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, और जो नामांकन 2009 में गोरखपुर से उन्होंने डाला था उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। सवाल अतीक अहमद के मूत्र विसर्जन पे ज़्यादा खबर हो रही है, मैं इस टाइम उस पर ज़्यादा चला रहा हूँ, लेकिन अतीक अहमद क्रिमिनल था तो उस क्रिमिनल को मारने के लिए तीन क्रिमिनल किसने जन्मा दिया? अब अतीक अहमद जी पर आते हैं, लोकसभा के सदस्य फूलपुर से 4 बार या 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन अगर यही मीडिया खबर चलाएगी तो सूरजभान सिंह के आगे दादा लगाएगी, दादा सूरजभान सिंह। आखिर अतीक तो अकेले माफिया नहीं चला रहा था, माफिया एक समूह का काम है, माफिया यानी ही समूह है, एक आदमी कोई चला नहीं सकता है। अगर वो पैसा कमा के आ रहा था तो पैसा जो है कोई सफ़ेद भी कर रहा होगा। उसी मामले में ईडी ने इन लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन इस पर कोई खबर नहीं कर रहा है। जो अतीक अहमद पर जो हुआ, अतीक अहमद क्रिमिनल था, लेकिन इन तीन लोगों को क्रिमिनल किसने बनाया? दैनिक जागरण के खबर के मुताबिक एक दिन पहले वो तीनों उस अस्पताल में मुआयना के लिए गए थे। उसी दैनिक अखबार दैनिक जागरण के खबर के मुताबिक कि अस्पताल प्रशासन को ये नहीं पता था कि वहाँ अतीक आने वाले हैं। दैनिक जागरण अमर उजाला के मुताबिक हर जगह पर जहाँ जहाँ ये केस हुआ, जहाँ जहाँ अतीक उससे पहले गए, उससे जाने से पहले पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ जब अंदर में पार्किंग की जगह और इमरजेंसी तक गाड़ी जाने की व्यवस्था थी इस अस्पताल में, गेट पे ही क्यों गाड़ी रोका गया? अतीक अहमद जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अतीक अहमद कोई अतीत तो था नहीं, था तो बहुत सारा 100 केस था उस पर, लेकिन बात आता है अतीक अहमद पर। कैसे मीडिया का जो है अलग अलग एंगल होता है, 100 केस उस पर भी ठीक, डीएम का हत्यारा के दोषी जो सजा काट करके आनंद मोहन ठीक, दोनों का अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो दोनों अलग अलग होगा। अतीक अहमद को इसलिए टारगेट कर दिया जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, ये कहना लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है उत्तर प्रदेश के नेता हैं, और वहीं अतीक अहमद की तीन लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि अतीक अहमद की हत्या तीन लोगों के द्वारा कैसे की गई? जब अतीक अहमद को ले जाया जाता था कहीं तो बाहरी सुरक्षा के साथ लिया जाता था, उस दिन कैसे लिया गया? और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव अतीक अहमद के विषय में अतीक अहमद जी बोल दिए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो हल्ला मचाई हुई है और इस पर राजनीति हो रही है। इन्हीं सब मसलों पर बात करें, हमारे साथ में सनी जी हैं। सनी जी, अतीक अहमद जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अतीक अहमद कोई अतीत तो था नहीं, था तो बहुत सारा 100 केस था उस पर, लेकिन बात आता है अतीक अहमद पर। कैसे मीडिया का जो है अलग अलग एंगल होता है, 100 केस उस पर भी ठीक, डीएम का हत्यारा के दोषी जो सजा काट करके आनंद मोहन ठीक, दोनों का अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो दोनों अलग अलग होगा। अतीक अहमद को इसलिए टारगेट कर दिया जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए अगर वो पानी भी पी रहा है तो उस पर जुल्म हो रहा है, यानी एक तरह मतलब कि कैसे करके भी टारगेट कर देना है। लेकिन ये पैटर्न कहाँ से शुरू हुआ? अतीक अहमद का जो हत्या हुआ, कौन लोग थे वो? तीन लोगों के मन में ये गंदगी किसने डाली? कौन इसको हत्यारा बनवा दिया? उसके माता पिता जो रो रहे हैं, एक तो माता पिता भी नहीं है, उसकी माता कह रही है कि कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं था। हालांकि तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड निकल करके आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि दैनिक जागरण के खबर के मुताबिक एक दिन पहले वो तीनों उस अस्पताल में मुआयना के लिए गए थे। उसी दैनिक अखबार दैनिक जागरण के खबर के मुताबिक कि अस्पताल प्रशासन को ये नहीं पता था कि वहाँ अतीक आने वाले हैं। दैनिक जागरण अमर उजाला के मुताबिक हर जगह पर जहाँ जहाँ ये केस हुआ, जहाँ जहाँ अतीक उससे पहले गए, उससे जाने से पहले पूरे एरिया को
छावनी में तब्दील कर दिया गया। उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ जब अंदर में पार्किंग की जगह और इमरजेंसी तक गाड़ी जाने की व्यवस्था थी इस अस्पताल में, गेट पे ही क्यों गाड़ी रोका गया? सवाल दूसरा, तीसरा सवाल, अमर उजाला में खबर छपी है कि अतीक अहमद ने कई सफ़ेद पोश लोगों का नाम लिया जिसमें सीताराम शुक्ला सहित कई गोयल हैं, अग्रवाल हैं, जिसका आगे का नाम हम भूल गए हैं, लेकिन ये नाम है अमर उजाला के खबर के मुताबिक। इन लोगों पर कार्रवाई हो रही थी और इन लोगों पर कार्रवाई के बाद मीडिया में जो खबर चली इनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? आखिर अतीक तो अकेले माफिया नहीं चला रहा था, माफिया एक समूह का काम है, माफिया यानी ही समूह है, एक आदमी कोई चला नहीं सकता है। अगर वो पैसा कमा के आ रहा था तो पैसा जो है कोई सफ़ेद भी कर रहा होगा। उसी मामले में ईडी ने इन लोगों पर कार्रवाई की लेकिन इस पर कोई खबर नहीं कर रहा है। जो अतीक अहमद पर जो हुआ, अतीक अहमद क्रिमिनल था लेकिन इन तीन लोगों को क्रिमिनल किसने बनाया? इसके मन में किसने डाल दिया कि हत्या करना है? 21 लाख का पिस्टल आप जिंदगी भर माइक लेकर के कमाइएगा ना, काम करिएगा तो फिर भी नहीं कमा सकते हैं। 21 लाख का पिस्टल कैसे आ गया? तीन लोग थे, 7 लाख का एक पिस्टल तीन से अगर गुना कर दिया जाए तो 21 लाख, क्योंकि ये तीनों का पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वो कहा जा रहा है कि माता पिता नहीं है, एक को बारे में कहा जा रहा है कि चाय बेचता था और एक और जो है उसकी स्थिति खराब है। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि पिस्टल खरीद लिया? ये एक बड़ा सवाल है, ये क्वेश्चन है उस सरकार से जो सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ राम राज है, हमारे यहाँ जो अपराधी है उस पर लगाम है। ये कौन सा लगाम है? अपराधियों पर जब कुछ इस तरह के मामले होते थे घर पे बुलडोजर चल जाते थे, चल जाता था। ये कौन सा लगाम है? कैसे ये तीन लोग इतना हिम्मत कर लिया भाई, मीडिया के सामने आके गोली मार रहा है? ये छोटा मोटा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहाँ की सरकार दम भरती है कि हम कानून व्यवस्था जो है साफ सुथरा रखे हुए, हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री पर खुद 302 का मुकदमा है अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, और जो नामांकन 2009 में गोरखपुर से उन्होंने डाला था उसके अनुसार हम बोल रहे हैं, अपना हमारा कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाइए, इंडियन एक्सप्रेस ये बता रहा है कि ये जो बच्चे थे उनके घर की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय है, उसके बावजूद ये पिस्टल आ गया। कौन दिया इसको? 21 लाख का कौन दिया? कहाँ से 21 लाख रुपया आ गया? ये एक बड़ा सवाल, ये कोई सवाल नहीं पूछेगा। सवाल अतीक अहमद के मूत्र विसर्जन पे ज़्यादा खबर हो रही है, मैं इस टाइम उस पर ज़्यादा चला रहा हूँ, लेकिन अतीक अहमद क्रिमिनल था तो उस क्रिमिनल को मारने के लिए तीन क्रिमिनल किसने जन्मा दिया, किसने पैदा किया इन तीन लोगों को? इसके पीछे भी माफिया है, एक माफिया मारा तीन माफिया जन्म ले लिया है। अब आते हैं बिहार, बिहार में जब सवाल पूछा गया नीतीश जी का भाषण बहुत अच्छा था, अपराधी रहे चाहे कोई रहे, और हम और आप पत्रकार हैं तो संविधान के तहत ही काम करते हैं और हम लोग का काम भी है संविधान के तहत। ये एकदम काउंटर सवाल है कि पुलिस कस्टडी में कैसे उसकी हत्या हो गई? ये आपकी चूक है, आपकी लापरवाही है, ये आपका निकम्मापन है, तब जाकर के ये हत्या हो गया। अब अतीक अहमद जी पर आते हैं, लोकसभा के सदस्य फूलपुर से 4 बार या 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन अगर यही मीडिया खबर चलाएगी तो सूरजभान सिंह के आगे दादा लगाएगी, दादा सूरजभान सिंह आरोप है उन पर भी, हालांकि अब वो अपराध की दुनिया में नहीं है, वो अपना जो भी था उनका काट करके चला, अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, ठीक। लेकिन खबर का ऐसे पैटर्न होता है, आपने तो अतीक अहमद को सजा काटने का समय नहीं दिया, गोली मार के मार दिया, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जो डीएम के हत्यारे थे उनको आप सजा काटने का समय दिया, कानून में संशोधन कर देते, संशोधन किया गया कि अब वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप आरोपी हैं, आप आरोप सिद्ध हो गया, उसके लिए कोर्ट है, संविधान है, आप सजा काटिएगा, सजा काटने के बाद आप एक तरह से बेकसूर हैं, सजा आपने काट लिया 20 साल का सजा, लेकिन अतीक अहमद को सजा भी नहीं काटने दिया गया, गोली मार दिया गया। अब इस पर जो जिसने जी लगा दिया उस पर जो है, अब सोचिए राजा भैया पे राजा भैया लगता है, राजा भैया ब्रिजेश सिंह, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर बहुत सारी आपत्तियाँ हैं। तो इस चीज़ को समझिए, ये पैटर्न है, ये पैटर्न इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान है और कोई बात नहीं, उसके मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया गया, राम का जो नारा है उसको बदनाम किया गया, इसलिए उसने लिया कि उसको उसको पता है कि अगर ये हम नारा लेंगे तो हमको बैकअप मिल जाएगा। याद कीजिए हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, याद कीजिए जयंत सिन्हा को, यशवंत सिन्हा के बेटे, मॉब लिंचिंग में जो झारखंड में जो अपराधी था जो मॉब लिंचिंग करके जेल गया था, जब वो छूट करके बाहर आया तो यशवंत सिन्हा का बेटा
जैन सिन्हा उसको माला पहना करके सम्मानित किया। यार यार आइए आइए, आप तो मॉब लिंचिंग के आरोपी, आइए आपका माला पहना के। जय श्री राम का नारा इसलिए लिया गया ताकि उसको लगा कि अरे यहाँ तो राम राज्य वाली सरकार है, हमको बैकअप दे देगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं बैकअप के। सवाल उठते हैं कि ब्राह्मण, मुन्ना बजरंगी, दुबे, अतीक अहमद और कई और, एक आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ पे कि स्वजातीय लोगों की तो इनकाउंटर नहीं होती है, तो ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो पैटर्न है उसको आप समझिए, ये पैटर्न है। एक आखिरी सवाल है सनी, कि जिस तरह से आनंद मोहन के मामले में कानून में संशोधन किया गया, आगे जाकर के बिहार की राजनीति पर या फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? कल एक महिला इंस्पेक्टर को दौड़ाया गया ना, दौड़ाया गया बीटा में बालू माफिया के द्वारा, यही होगा। महिला इंस्पेक्टर को मार दीजिए, बाद में तो जो उनको मारेंगे, नियम अब है नहीं कि आजीवन जो है वो जेल में रहेंगे। हो सके कि अगर रॉब वाला आदमी होगा, बीटा वाला रॉब वाला आदमी होगा, तो उसको टिकट भी दे दिया जाएगा, यही होगा। सामाजिक न्याय वाली जो सरकार, जो कहती है अपने आप को नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार, और जो मीडिया लोग खबर चला रहा है, पैटर्न पे चला रहा है। योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछता, नीतीश कुमार से सवाल पूछता है। हमारा काम है दोनों से सवाल पूछना। हम ना जात देखते हैं और ना ये देखते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में राजपूतों को खुश करने की राजनीति अब चल पड़ी है। राजपूत के नेता हैं आनंद मोहन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नीतीश कुमार ने तो कह ही दिया कि हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, उनकी पत्नी से जाकर के पूछिए, यही कर रहे थे वो। और ये झूठ बोलना बंद कर दे नीतीश कुमार की, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते, ये महा झूठ है, एकदम बोलना बंद कर दे। राजपूतों का वोट मिलेगा महागठबंधन, ये तो वक्त आएगा, समय बताएगा, जनता बताएगी। आप ग्राउंड पे रहते हैं, चीजों को समझते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन का राजपूतों में प्रभाव है। पर राजपूतों का खासी जनाधार तो बीजेपी के पास साथ है नहीं, राजपूत का एक अपना ये रहा है, राजपूत सामाजिक न्याय वाले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीपी सिंह भी राजपूत ही थे, अर्जुन सिंह भी राजपूत ही थे, तो ऐसा नहीं, उन लोग को तो लोग नेता नहीं मानेगा, राजपूत उसको थोड़ी नेता मान लेगा। चलिए, तो राजपूत बीपी सिंह और जो भी जो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे उनको नेता नहीं मानेगा, मानेगा आनंद मोहन, जो कि दलित डीएम के हत्यारे हैं और एक खूंखार अपराधी है। सीएम नीतीश कुमार कानून में संशोधन कर दिए हैं और उसके बाद जो है अब कई मामले ऐसे आ सकते हैं, इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है बिहार में। बहरहाल सनी जी से हमारी बातचीत, आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।